हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस पढ़ने वाले हैं। अभी हम जाइलम के बारे में पढ़ चुके हैं हमारे लास्ट लेक्चर में, एंड अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। नाउ लेट अस कंसिडर हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस, आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर फॉर्म्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो अभी तक हम वाटर एंड मिनरल के बारे में पढ़ चुके हैं, दैट इज जाइलम। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे फूड के बारे में, जो कि फोटोसिंथेसिस से बनता है। सो फोटोसिंथेसिस से बनता है ग्लूकोस, एंड जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो होता है लीव्स में। सो यहाँ पे हम ग्लूकोस के बारे में अब पढ़ने वाले हैं कि जो फूड होता है लीव्स का, उसकी ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसे होती है। This transport of soluble products of photosynthesis is called translocation. जो transportation of soluble product, यानी कि food है जो कि photosynthesis से बनता है, इसको हम बोलते हैं translocation. So transportation of food is translocation, and it occurs in the part of the vascular tissue known as phloem. और ये एक vascular tissue में होता है जिसमें vessels होते हैं, ये उस part में होता है और इसका नाम है phloem. So जो ऑर्गन है उसका नाम है फ्लोएम, और जो फिनोमिना है उसका नाम है ट्रांसलोकेशन। बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, एंड टू द ग्रोइंग प्लांट्स। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स विद इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड जो अदर सब्सटेंसेज है वो सीव ट्यूब्स में होता है। सीव ट्यूब्स जो है वो फ्लोएम का ही एक पार्ट है। सो फ्लोएम के अंदर जो सीव ट्यूब्स है उनमें ट्रांसलोकेशन होता है, और ये जो सीव ट्यूब्स होते हैं ये कंपेनियन सेल्स के बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं, उनके बिल्कुल साथ ही साथ चल रहे होते हैं। और ये जो मूवमेंट है ये अपवर्ड भी होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि हमने जाइलम में पढ़ा था, जाइलम की जो डायरेक्शन है वो यूनि डायरेक्शन है, सिंगल डायरेक्शन है, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। रूट से लेके शूट्स तक जो वाटर है वो जाता है, ठीक है, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन है, यूनि डायरेक्शन है, सिंगुलर डायरेक्शन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम जो है वो बाय डायरेक्शनल है, ये अपवर्ड भी काम करता है, डाउनवर्ड भी काम करता है। मतलब इनफैक्ट जो प्लांट होता है वो चेक करता है कि उसको फूड की जो नीड है वो कहाँ पे है। अगर फूड की नीड उसे अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ट्रांसलोकेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ट्रांसलोकेशन डाउनवर्ड हो जाएगा। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन बाय सिंपल फिजिकल फोर्सेज, द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग स्पेशल एनर्जी। सो अगर हम बात करें जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है वो सिंपल फिजिकल फोर्सेस से हो जाता है, ठीक है, कोई ज्यादा फोर्सेस उस पर नहीं लगते हैं। लेकिन अगर हम ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं तो ये स्पेशलाइज्ड जो एनर्जी है उसको यूज करते हैं। मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। This increases the osmotic pressure of the tissue, ensuring water to move into it. So, जो sucrose होता है वो help करता है transfer करने जो ATP है वो help करता है sucrose की कि वो phloem tissues के अंदर जा सके। So, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो osmotic pressure होता है वो tissues के अंदर increase कर जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से जो tissues है उनके अंदर जो वाटर है वो मूव करने लगता है। ऑस्मोटिक प्रेशर आप जानते ही हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। सो दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जहां पे लेस प्रेशर होगा टिश्यूज में, वहां की तरफ जो फ्लोएम है वो जाना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। This allows the phloem to move material according to the plant's need. अब ये जो osmotic pressure है ये help करता है plant की कि plant के accordingly, मतलब जो plant की needs हैं उसके accordingly जो food है वो कहीं पे भेजा जाए। For example, in the spring, sugar stored in roots or stem tissue would be transported to the buds which need energy to grow.
जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के टाइम पे दिया हुआ है कि जो हमारा स्प्रिंग वेदर होता है उस टाइम पे जो शुगर है वो स्टोर्ड होती है रूट्स में और स्टेम में, लेकिन इसको बर्ड्स तक पहुंचाया जाता है क्योंकि बर्ड्स को उस टाइम पे ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो ये फ्लोएम की वजह से होता है, ये फ्लोएम की हेल्प से होता है, एंड फ्लोएम को फैसिलिटेट करने के लिए जो एफिशिएंट एनर्जी है, जो स्पेशल एनर्जी है वो चाहिए, और ये जो एनर्जी है इसका नाम है एटीपी। सो एटीपी जो है वो इसके अकॉर्डिंगली काम करता है और प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। आज का आपका जो रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट पार्ट था वो खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट पार्ट करेंगे इस चैप्टर का, दैट इज एक्सक्रीशन, एंड एक्सक्रीशन के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।